मैं भी बहुत ज्यादा अच्छी हूँ और ना मैं पहले ही बता दू एक्चुअली ना पूरी स्वेलिंग आ चुकी है बिकॉज आई डोंट नो क्या हो गया इन्फेक्शन तो कम बोल पा रही हूँ एनी वेज ये वाला लुक शेयर करने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैंने एक लुक किया है ये है गुजराती मेकअप लुक ओके okay, नवरात्रि चल रही है तो मैंने सोचा एक प्रॉपर मैंने आपसे बोला भी था अपने एक वीडियो में कि मैं ना एक लुक क्रिएट करूंगी जो पूरा प्रॉपर वाला होगा प्रॉपर मतलब बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको Uh, कैसे मतलब बिल्कुल उसमें हर एक चीज होगी मतलब ट्रेडिशनल टाइप मैंने बोला था ना सो मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है होप आपको बहुत पसंद आएगा और अगर पसंद आए ना तो प्लीज गाइज तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ये लुक ना जितना डिफिकल्ट दिख रहा होगा ना बहुत ईजी है लेकिन सुंदर कितना लग रहा है अट्रैक्टिव लग रहा है सामने से तो और सुंदर लग रहा है गाइज ओके अगर आप डांडिया खेलना चाहते हो ना तो प्लीज ये वाला लुक जरूर क्रिएट करना बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है मुझे तो मुझे तो लग रहा है मैं जाऊँ खेलने के लिए बट यार मैं थक जाती हूँ तो इसलिए नहीं जाती हूँ ओके वाइज इफ यू लाइक माई कंटेंट सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी, भी फॉलो करना वहां पर मैं ना बहुत अच्छी अच्छी रील्स वगैरह डालती रहती हूँ ओके या विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं सो लाइक स्टार्ट ए ओके okay गाइस सबसे पहले मैं लगाऊंगी टोनर टोनर ज़रूर लगाया करो आपके जितने पोर्स होते हैं सब मिनिमाइज हो जाते हैं मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको स्किन केयर करके इसीलिए बताती हूँ कि बिना स्किन केयर करे आप कभी भी आ, मतलब फाउंडेशन वगैरह मत लगाना ओके okay, यहाँ पे भी मेरा फेस थोड़ा सा डल डल लग रहा था बिकॉज मैं सो नहीं पाई थी आठ घंटे की नींद नहीं मिली ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बिजी थी एक्चुअली नवरात्रि है इसलिए ओके और दूसरा ना मुझे इन्फेक्शन हो गया लिप्स में इतनी स्वेलिंग हो गई है मुझे कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ अब ध्यान से देखो आपको मेरे नीचे वाले लिप्स थोड़ा सा स्वेलिंग मतलब फूला फूला सा दिख रहा होगा अभी मैं बोल नहीं पा रही हूँ अच्छे से यहाँ पे ना मैं अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी अपने फेस में और मामा अर्थ का ये मॉइस्चराइज़र था बाई द वे और मुझे एक छोटा सा पिम्पल भी आ गया है स्टे क्वर्की का प्राइमर ऑयल लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ना मेरा बेस बिल्कुल डई मस्त तो सा चाहिए था बिल्कुल इसलिए अच्छे से प्राइमर ऑयल लगाऊंगी और यहाँ पे ना मैं तीन चार बार सेटिंग स्प्रे से सेट भी करूँगी क्योंकि मतलब मुझे एकदम अच्छा बेस चाहिए था कि ताकि निकले ना नवरात्रि है तो थोड़ी गर्मी भी लगेगी तो निकले ना इसलिए अब प्राइमर के बिला बिना तो हम बेस कर नहीं सकते प्राइमर ना कोई अच्छा वाला लगाना कोई ऐसा जो आपके फेस को ना अच्छे से ब्लर कर दे मतलब फेस को क्या आपके जो भी पोर्स हो ना उसको ब्लर कर दे फिल कर दे अच्छे से अब यहाँ पे रुक जाओ इसके बाद ना तुरंत प्राइमर मत लगाना जैसे कि हमने इतनी सारी चीज़ें लगाई हुई हैं तो आप उसको थोड़ा वक्त दो स्किन के अंदर जाने दो उसके बाद आप प्राइमर लगाना सॉरी उसके बाद आप फाउंडेशन लगाना सो so, यहाँ पे मैं अपने दोनों फाउंडेशन ले रही हूँ मेरा फेवरेट वाले फाउंडेशन हालांकि मेरे पास बहुत सारे फाउंडेशन हैं मैं एक फ़ाउंडेशन में वीडियो भी डालूंगी मेरे पास काफ़ी फाउंडेशन है बट तो मुझे इसके अलावा कोई पसंद ही नहीं आता मैं क्या करूँगा तो दोनों को मिक्स करके और अपने शेड का बना करके और दोनों को फिर इसके ऊपर मैं सेटिंग स्प्रे से सेट करूंगी ठीक है ये है स्विस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे अब मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी बहुत अच्छे से ब्लेंड भी होता है सेटिंग स्प्रे करने से और आपका बेस ना लंबे समय तक ना टिका भी रहेगा तो अच्छे से मैंने पूरे फेस में ब्लेंड कर लिया अब वो जो मेबलिन वाला फाउंडेशन था ना उसको मैं अपनी अंडर आई एंड एंड जहाँ जहाँ पे मतलब हम लोग को थोड़ा सा डार्क सर्कल की एंड थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है ये मतलब कुछ भी यार वहाँ पे आप लगा लो जहाँ जहाँ पे आपको नहीं गया वहाँ वहाँ पे लगा सकते हो मुझे थोड़ा सा समझाने में ना प्रॉब्लम हो जाती है गाइस अच्छे से मैंने यहाँ पे सेट कर लिया पहले मैंने इन का कॉम्पैक्ट लिया बट एट देन मुझे लगा वो मेरे शेड से आए हो ना मुझे डार्क लगता है तो फिर मैंने ना के ब्यूटी का पाउडर ले लिया था मार्स कॉस्मेटिक को, का ये मैं ब्राओ पाउडर ले रही हूँ और अच्छे से अपने आईब्रोज को मैं फिल करूँगी इससे Uh, मैंने ना uh, इसमें से लिया था ब्राउन शेड मैं ब्राउन लेती हूँ डार्क ब्राउन मैं ब्लैक में नहीं जाती डायरेक्ट अगर एट दैन मुझे नीड लगती है कहीं कहीं पे तो मैं लगा लेती हूँ फिर अपने एडजस्ट को आज मैं क्लीन कर रही हूँ अभी मैं दो तीन वीडियो में नहीं कर रही थी बट इसमें मैं अपने एडजेस्ट को क्लीन करके और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से ना मैं इसको ब्लेंड भी करती जाऊँगी अच्छा हो सके ना तो सेट करने से पहले ही आप ये पार्ट कर लेना मतलब अ, सेट जब आप पाउडर से सेट करो ना उससे पहले ही आप ये पार्ट करके फिर सेट करो तो ज़्यादा बेटर होगा मैं आपको बता दूँ ये मेरी गलती है मैं भूल गई थी एक्चुअली केप ले की मैंने फोर इन वन वाली पैलेट ली और इससे मैंने येलो शेड लेके जस्ट अपने लिड में लगाया है और एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं ब्लेंड करती जा रही हूँ मुझे येलो शेड चाहिए था ऑरेंज येलो पिंक क्योंकि मेरा चनिया चोली इसी कलर का था पिंक कलर इसमें से ले गई ये पहले ना काफ़ी अच्छी है और पता है आपको टू नाइनटी नाइन या टू फिफ्टी की मिल जाती है समथिंग की एंड बहुत अच्छी पहले तो मतलब पिगमेंटेशन तो भाई देखो बहुत सही है अब यहाँ पे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया और मैंने जो पिंक कलर है ना वो सिर्फ अपनी लिड में लगाया था ठीक है सेंटर में और वही पिंक कलर लेके मैं अपनी लोअर लाइन में भी स्मर्च कर ले रही हूँ और यहाँ पे हमारा आई लुक कंप्लीट हो गया देखा कितना इजी था हमारा आई लुक गाइज faces कैनाडा का ये है आई लाइनर आई लाइनर में जरूर मतलब आई लाइनर वैसे तो मैं लगा नहीं पाती बट आज मैंने पता नहीं कैसे विंग वाला मैंने वीडियो के सामने ही लगा लिया मस्कारा लगा रही हूँ ये है मस्कारा पर्पल का या पर्पल का मस्कारा ये हुँ. लगाने के बाद ना मुझे आई लगाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है अब हम अपने फेस को अच्छे से कंट्रोल करेंगे चीक्स में नोज एरिया में फोर हेड में जॉ लाइन में कॉन्टोर ज़रूर किया करो आपका फेस है ना थोड़ा सा पतला लगता है डायमेंशन मिल जाती है आपके फेस को और बहुत ज़्यादा वाइट वाइट सा नहीं लगता है ब्लू हेवन का यहाँ पे मैं ब्लश लगा रही हूँ मेरा लिप्स देख रहे हो कैसे स्वेलिंग स्वेलिंग दिख रही है अभी बहुत पेन हो रहा है बोलते बोलते अच्छा ये ना थोड़ा सा कोरल शेड में और इसमें थोड़ा सा शिमरी पार्टिकल्स हैं सो अच्छा लग रहा था इसके साथ मार्स कॉस्मेटिक का गोल्डन कलर का ये हाईलाइटर है मेन मेन पॉइंट्स में लगाएंगे चीक बोन्स में जॉ लाइन में फोर हेड में नोज़ एरिया में क्यूपिड बो अंडर वो सॉरी आइज में आइज के कॉर्नर में एंड फिर से मैं अगेन सेटिंग स्प्रे से सेट कर रही हूँ अपना बेस और मामा अर्थ की चिरपी चेरी इसका शेड है ये लिपस्टिक का शेड देखो कितना सही है गाइस चिरपी चेरी करके शेड है इसको लगाऊंगी पहले ना मैं ब्राउन में जा रही थी बट मैंने सोचा ना येलो के साथ रेड का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगेगा और ज्वेलरी भी काफ़ी अच्छी लग रही थी इस इसके साथ मतलब जा रहा था पूरा लुक अब यहाँ पे मैंने हैवल्स की चॉपस्टिक वहां पे गरम करने रख दी थी बाल वगैरह मैंने ओपन कर लिया अपने और अभी यहाँ पे मैं कर्ल्स स्टार्ट कर रही हूँ मैं धीरे धीरे मैं नीचे के साइड से आज कर्ल्स कर रही हूँ ऊपर के साइड से नहीं कर रही हूँ वैसे हमेशा मैं ऊपर से पूरा करती हूँ बट आज ना मैं नीचे नीचे से कर्ल्स कर रही हूँ और पता है गाइस मैंने ये बनाया ना चनिया छोली मैं नीचे एक राउंड भी मार मार के आई मतलब अब मैं वापस गई ना तो वापस मैं चनिया छोली पहन के नहीं गई मैं जींस टॉप मैंने सॉरी पैंट फॉर्मल वाली पैंट पहन के गई मम्मी वही कह रही थी कि यार यही पहन के चली जाती ना क्या बार बार कपड़े बदलने का चलो एनीवेज वेज यहाँ पर हमारे बाल पूरे कर्ल्स हो गए अच्छे से ये वाली चॉपस्टिक ना गाइज मैं सजेस्ट करूँगी बहुत अच्छी लगी आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता बहुत जल्दी जल्दी ये कर्ल्स हो जाते हैं इससे ठीक है अब यहाँ पे मैं यहाँ पे मांग टिक्का लगा रही हूँ इतना सुंदर मांग टिक्का था ना यार मतलब मजा आ गई लगा के मतलब यार आप लोग कमेंट करो कि आप लोग को ये लुक लगा कैसे मुझे बहुत अच्छा लगा ये मांग टिक्का ना बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे मैं ये गले का इसमें डाल रही हूँ ये थोड़ा मोतियों वोतियों वाला होता है ना यार यहाँ पे तो ऐसा ही गुजराती लोगों का तो सॉरी गुजराती लोगों नहीं मतलब नवरात्रि में तो ऐसे ही पहनते हैं सॉरी 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 ओके नोज पेन पहनी मैंने और बिंदी लगाई एंड दैट्स इट दिस इज़ माई फाइनल लुक बैंगल पहन लिया एंड दिस इज़ माई ओवरऑल लुक बहुत अच्छा लग रहा था गाइज ट्रस्ट मी मुझे कॉमेंट करके बताओ कैसा लगा ओके okay, मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय लव यू टेक केयर गाइस okay सो so मैंने बिंदी वगैरह लगा ली और नोज पिन पहन ली है और हाथ पे कुछ ज्यादा नहीं किया बस ये ऑक्सीडाइज वाला ये पेन है एंड यहाँ पे मैंने ये अपने हैंड्स का पहना है एक हाथ का तो पहनना ही भूल गई बट एनी और मैं बोल नहीं पा रही एक्चुअली पता नहीं क्या हो गया है पूरा ये वाला ना स्वेलिंग आ गई है सो है ना गाइज लुक ओवरऑल बहुत सुंदर लग रहा है आपको कैसा लग रहा है इसके वजह से बहुत सुंदर लग रहा है आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ मुझे और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कर लेना मेरे चैनल को और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ओके okay, गाइज मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय लव यू टेक केयर एक्चुअली बोल नहीं पा रही हूँ ना इस वजह से बाय